हेलो एवरीवन, मैं आयुष, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के बारे में। हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या होती है, इनमें कैसे क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्लस इसमें बेनिफिट्स और पर्क्स क्या मिलते हैं यहाँ पर इस पोस्ट में, एग्ज़ाम पैटर्न, सेलेक्शन प्रोसीजर और सबसे मेन चीज़ जो आप सभी को पसंद आने वाली है, जिसका आप बेसब्री से वेट करते हो, कि यहाँ पे हम लोग सैलरी के एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में जानेंगे और प्लस यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की, कि सैलरी स्लिप होती क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब हम लोग इन डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाए और आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न होता कैसा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का, ये एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसे यहाँ पे पहला जो होता है आपका एमसीक्यू का पार्ट होता है, जिसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है। पहले आपको ये पहला प्री मान लो आप इसे प्री आपको क्लियर करना पड़ता है ना, जिसमें आपके तीन सब्जेक्ट्स आते हैं। और ये तीन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं हिंदी, इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 60 आते हैं, वहीं 30 मार्क्स का पेपर होता है। और फिर जनरल नॉलेज आती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, और वहीं 15 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और उसी के बाद जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट और रीजनिंग होती है, जो कि 40 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और यहाँ पे आपका 20 मार्क्स का ही पेपर होता है ये वाला। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 135 मार्क्स के होते हैं, और इसी के साथ आपके 65 का ये पेपर होता है, 65 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर होता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि डेढ़ घंटा आपको यहाँ पे पूरा दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने का। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए ये है कि यहाँ पे उनको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जितने भी क्वेश्चंस आपको नहीं भी अगर आते हैं तो आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको कोई भी मार्क्स जो है नेगेटिव माइनस नहीं होने वाला। तो ये आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है कि आप सारे क्वेश्चंस जितने भी है अटेम्प्ट कर सके, 135 के 135 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें ज़रूर से, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस भी थोड़ा इजी है। और एक्चुअली एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप जब एमसीक्यू मतलब आपका ये प्री हो जाता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको स्कोर करना पड़ता है अच्छा, उसके बाद जो है आपकी ये पोस्ट लग जाती है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आप एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई आपकी पोस्ट के बारे में। अब अगर इसके बाद में बात करूँ कि सिलेबस क्या रहता है, तो आपका सिलेबस जीके में इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, ये सब रहता है। रीजनिंग में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, और हिंदी में रस, मुहावरे, अलंकार, समास, विलोम, ये सब रहता है। वहीं इंडियन हिस्ट्री में फोकस जो रहेगा फाइनेंशियल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पार्टीज पर रहता है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये हो गया। और वहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल इकोलॉजी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल, सोशल एंड डेमोग्राफिक इशू, ये सारे आपका सिलेबस है, जो कि आप डिटेल में देख सकते हैं स्क्रीन पे, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिकॉज आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन आपकी इसी के अकॉर्डिंग होने वाली है सेम, बिकॉज यही सारे चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर जो है क्रैक भी होगा। जितने अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। तो ऑल द बेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो ये उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली इस पेपर में। अब सैलरी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है कि सैलरी है क्या, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कितनी है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सैलरी में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कैलकुलेशन के साथ भी हम लोग जानेंगे, ताकि अगर आपको किसी और पोस्ट की भी कभी भी आपको जानकारी चाहिए तो आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकें, वरना हम लोग वीडियो तो देते ही हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे क्या कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे स्केल रहता है 5200 से लेकर 20200 के बीच का है ना, उसके बाद आ जाते बेसिक पे, बेसिक पे 21700 होता है, जो कि तीनों ही सिटी में सेम होने वाला है। अब यहाँ पे तीनों सिटी से मेरा मतलब क्या है, अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी पे कैटेगराइज रहती है सारी सिटीज स्टेट्स के अकॉर्डिंग है ना, बट यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट का अलग चलता है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ जो भी जॉब्स निकालती है वो अपने यहाँ पे कैटेगराइजेशन अलग करती है। तो यहाँ पे जो हम लोग एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के हिसाब से जानने वाले हैं, वो सेंट्रल लेवल के हिसाब से नहीं, वो स्टेट लेवल के हिसाब से, जो कि यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यूपी में कौन सी सिटीज एक्स में आती है, कौन सी
वाई में आती है, कौन सी जेड में आती है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखोगे तो यूपी में कोई भी एक्स सिटीज नहीं आती है ना, इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं डीए की। डीए जो है 38% हो चुका है, यूपी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि जो अब सैलरी मिलेगी 38% के हिसाब से मिलेगी। तो 8,246 जो रुपीज़ हो गया आपका डीए हो गया। उसके बाद एचआरए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद डिसाइड करती है कि एक्स सिटीज़ कौन सी, वाई सिटीज़ कौन सी, जेड सिटी कौन सी। तो यहाँ पे 2400 रुपये जो है ये एक्स सिटीज़ में डीए मिलता है, वहीं सीधा इसका हाफ हो जाता है 1200 वाई सिटी में, और वहीं उसके बाद 800 रुपये आपको मिलते हैं जेड सिटी में। तो ये आपका हो गया एचआरए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रॉस सैलरी क्या बनती है, तो ग्रॉस सैलरी 32,346 बनती है एक्स सिटीज़ में जूनियर असिस्टेंट की, और वहीं पर 31,146 सैलरी बनती है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की इन वाई सिटी, और वहीं पे 30,746 सैलरी बनती है जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे जेड सिटी में। तो ये तो ग्रॉस सैलरी होगी, जो कि आप जब इनिशियली ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ही सैलरी मिलने वाली है 3-4 महीने के लिए, जब तक आपका एनपीएस का कार्ड बन के नहीं आता। जब एनपीएस का कार्ड बन के आ जाता है तब आपका डिडक्शन स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद आपको सैलरी थोड़ी कम मिलती है, वरना जो पहले 3-4 महीने हैं वो आपको ये कंप्लीट सैलरी मिलने वाली है, ग्रॉस सैलरी जिसको हम बोलेंगे, यही आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसके बाद जो होगा वो डिडक्ट होकर आती है। तो हम लोग डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। तो एनपीएस यहाँ पे डिडक्ट होता है जो कि 10% अब एम्प्लॉय पे करता है, 14% गवर्नमेंट पे करती है साथ में। तो यहाँ पे 3,235 का आपका एनपीएस डिडक्शन हो गया। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे 3,265 रुपीज़ के हुए, जो कि आपका एनपीएस कार्ड बनने के बाद डिडक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 29,081 यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की सैलरी बनती है इन एक्स सिटी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की वाई क्लास सिटी में जो सैलरी बनती है 27,881, वहीं जेड में जो बनती है सैलरी 27,481। ये है कंप्लीट सैलरी, इनहैंड सैलरी जो आपको मिलने वाली है। अभी आपको यहाँ पे ये भी डाउट होगा कि एक्स सिटीज़ कौन सी है, वाई सिटीज़ कौन सी है, जेड सिटीज़ कौन सी है। तो हमें आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक्स सिटीज़ कौन सी है, वाई सिटी कौन सी है, जेड सिटी कौन सी है। उससे पहले हम लोग सैलरी स्लिप देख लेते हैं, जिससे आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन और आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं और किसके अराउंड सैलरी रहती है। तो ये जो सैलरी स्लिप है 28 दिसंबर 2021 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तब डीए 31% चल रहा था, अब डीए जो है 7% इंक्रीज़ हो चुका है, तो इतना भी पुराना नहीं है। बट यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, आप कैलकुलेशन यहाँ पे खाली डीए की है 38% की, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक 21,700 है, डीए 6,727, एचआरए 2400 मिला है। ये एक्स सिटीज़ के हिसाब से सैलरी मिली हुई है। तो यहाँ पे जो नेट पे मिला हुआ है 27,065 रुपये मिले हैं, और वहीं ग्रॉस सैलरी 30,827 की मिली है, और नेट जो है डिडक्शंस के बाद 27,065 की मिली है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे अभी के सैलरी से जो मैंने आपको बताई इंक्रीज सैलरी, क्योंकि डीए इंक्रीज हो गया, 29,081 रुपीज़ बनती है अब। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सैलरी इंक्रीज हुई है, और ये सैलरी स्लिप है जो कि आपको समझ आ गया होगा कि सैलरी जो है यहाँ पे 30,000 के अराउंड रहती है, जो कि अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे इस पोस्ट में। और अलग से बहुत सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी मिलते हैं यहाँ पे इस पोस्ट में, जो कि हर एक कैंडिडेट एंजॉय करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कौन सी सिटी एक्स में आती है, यूपी में कौन सी सिटीज एक्स में आती है, कौन सी वाई में आती है, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, ये सारी एक्स में आती है। ये आपको एक पूरी लिस्ट दिख रही होगी। उसके बाद दूसरी श्रेणी में यानी कि वाई में आता है आपका नजीराबाद, नगीना, चंद्रपुर, चंदौली, देवबंद, रुड़की, कैराना, बड़ौद, बवाना, पिलकुआ, सिकोराबाद, सहसवान, शहादाबाद, गंगा घाट, ये सारी आपके वाई में। और इसी के साथ आपकी जेड सिटी भी यहाँ पे क्लैरिफाई है पूरी कम्प्लीटली। तो आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं इन फ्यूचर, आपको कभी ज़रूरत पड़े या फिर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस बेसिस पे यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे कैटेगराइज करती है यहाँ पे यूपी के अंडर सारी सिटीज़ को। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ बेनिफिट्स और पर्क्स भी काफ़ी हैं इस पोस्ट के। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हो जाती है आपकी ये यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आपकी जॉब जल्द से जल्द निकले इसमें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन है, आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।